प्रदेश में फर्जी साधुओं पर लगातार कार्यवाही के बाद भी फर्जी साधुओं का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ देश में साधु को लेकर सरकार लगातार शिकंजे कसती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये फर्जी साधु अपना पैर पसारते जा रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। एक ऐसा ही मामला मथुरा के वृंदावन थाने का है, जहां वृंदावन कोतवाली पुलिस LIU की टीम ने अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी साधु वेशधारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों साधु वेशधारियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और भारत निर्वाचन आयोग के कार्ड भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि वह करीब 20 साल से वृंदावन के मंदिर में पूजा पाठ कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इतना ही नहीं, पकड़े गए बांग्लादेशियों ने अपना नाम भी बदल लिया था। सूत्रों की माने तो वृंदावन में इस तरह के लोग बड़ी संख्या में रह रहे हैं, लेकिन मथुरा की LIU टीम इन लोगों का पता लगाने में निष्क्रिय साबित हो रही है। अगर DIG शलभ माथुर द्वारा गुप्त शिकायती पत्र पर जांच नहीं कराई गई होती तो ये बांग्लादेशी पुलिस की गिरफ्त में ना होती। SSP शलभ माथुर का कहना है कि वृंदावन कोतवाली पुलिस एवं LIU की टीम ने एक सूचना के आधार पर अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि इस संबंध में मिली एक शिकायत की जांच कराए जाने के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह लोग नाम अवैध रूप से यहां रह रहे हैं। इनके पास से फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुए हैं। वहीं SSP का कहना है कि इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के मामले दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। मथुरा से संवाददाता जाहिद सईद की रिपोर्ट। आज वृंदावन थाने LIU की टीम और जो स्थानीय टीम के द्वारा दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे थे। इन दोनों मूलतः बांग्लादेश से आए थे और इस संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें जांच की गई। जांच के बाद इनके बारे में जानकारी की गई कि अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे। इसमें से दोनों व्यक्तियों के पास जो है यहाँ पे फर्जी जो आई कार्ड्स हैं वो सब बरामद हुए हैं। और ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बेसिस के ऊपर एक बार ये पुनः बांग्लादेश गए थे। इन लोगों ने अपने कन्फेशन में इस चीज़ को स्वीकार किया है कि ये अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे। और इनके ऊपर जो विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14, 420, 67, 68 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और आज दोनों को जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। इन्होंने और भी डिटेल बताई है, यहाँ पर ये नाम बदल के रह रहे थे। इन्होंने अपना स्पिरिचुअल नेम चेंज कर लिया था और ये बता रहे हैं कि विगत 20 वर्षों से यहाँ पर इस तरह से रह रहे थे। जब जांच की गई तो जांच के अंदर ये सारी चीज़ें तथ्य प्रकाश में आए और इसके अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया। हम दिल्ली में और वृंदावन में बचपन से रह रहे हैं जी, तो हमें मंदिर में सेवा करते हैं मतलब बचपन से ही। तो किसी ने हमारे तमाल कृष्ण नाम से उन्होंने कंप्लेन किया कि हम बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी अब तो हम बांग्लादेश में ही जन्म हुआ, लेकिन बचपन में ही आ गया, तो बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वृंदावन में रहे। तो यहाँ की नागरिकता लेने के लिए आपने आवेदन किया है, सरकार सूचना दी है? अरे एक मिनट, एक लो भाई साहब, क्यों जल्दी कर रहे हो? आओ ना। अरे क्या बात है, क्यों झंडे दे रहे हो उनके पक्ष में? क्या नाम क्या तुम्हारा? प्रभाकर है मेरा नाम। तो नहीं कोई बात तो नहीं यार, अभी अभी नागदली आवेदन किया आपने? अरे नागदली आवेदन किया आपने? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।